ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ से मेहता वाला असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोगों को सीआरपीसी का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस, सीआरपीसी 125, भरण पोषण का क्या अधिकार है सीआरपीसी के तहत, 125 के तहत कैसे प्रोसीडिंग होती है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ये सब हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं, धारा 125 कहता है कि पत्नी पत्नी संतान और माता पिता जो भरण पोषण के लिए इनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि इन लोगों को भरण पोषण का फायदा मिलेगा अगर वो लोग असमर्थ हैं। यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति अपने पत्नी का जो कि भरण पोषण करने में असमर्थ है, या अपने माता पिता का जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या ऐसे बच्चे जो धर्मज लिजिटिमेट या इलिजिटिमेट हो, धर्मज या अधर्मज बच्चे हों, और वो आवश्यक संतान हो, तो आवश्यक संतान है जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम की है, भले ही वह विवाहित हों या अविवाहित हों, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है, यह है कि बस वो माइनर होने चाहिए। तो अगर वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो उनको भी भरण पोषण दिया जाएगा। और ऐसे वयस्क पर्सन जिनका चाहे वो धर्मज हो चाहे अधर्मज हो, वयस्क मतलब बच्चा जो है पहले आवश्यक था, मतलब जो माइनर था, अब यहाँ मेजर हो गया है, बच्चे जो है 18 साल से ऊपर के हैं, 18 साल से ऊपर होने के बाद माता पिता भरण पोषण करने के लिए दायित्व के अधीन नहीं होते हैं, मगर एक कंडीशन है जहाँ उसको भरण पोषण देना पड़ता है, जब बच्चे जो हैं जो वयस्क बच्चा है, जो मेजर पर्सन है, वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ है, कमा खा नहीं सकता है, डिसेबल है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो इस तरीके से उसको भी हम क्या कहते हैं, भरण पोषण का प्रावधान दिया गया है। और चौथा जो है, माता पिता अगर अपने भरण पोषण करने में असमर्थ हैं तो उनको भी भरण पोषण दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पर भरण पोषण से तात्पर्य क्या है, भरण पोषण का क्या हम अर्थ लगाएंगे, भरण पोषण में जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, चिकित्सीय खर्चा, मतलब उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस जो बीमार पड़ जाता है, तो भरण पोषण का मतलब होता है कि जनरली ये चार पांच चीज़ की नीड्स पूरी की जाती है, खाने को रहना मिलना चाहिए, आवास, निवास, और क्या कहते हैं, चिकित्सीय खर्चा, ये भरण पोषण के अंतर्गत आते हैं। आवश्यक क्या है, आवश्यक जो है यहाँ पर इन भारतीय वयस्कता अधिनियम के तहत अवश्य वो है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। और पत्नी, यहाँ पर पत्नी जो शब्द है वो ऐसी पत्नी है जो क्या कहते हैं, जिसने या तो पति से विवाह विच्छेद ले लिया है, या पति ने उसको विवाह पति ने उससे विवाह विच्छेद करा लिया है, मतलब चाहे पति ने छोड़ा हो चाहे पत्नी ने पति से पति को छोड़ा हो, परंतु पत्नी जो है पुनः विवाह ना किया हो, उसने दोबारा शादी ना की हो, तो वह अपने पति से वो क्या नाम है, भरण पोषण की मांग कर सकती है। अभी नया इसमें अमेंडमेंट हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पर्सन दो, अगर लड़का लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उन्हें भी सीआरपीसी 125 का फ़ायदा मिलेगा, उस महिला को भी, भले ही उस वो विधिता पत्नी विवाहित ना हो उससे, मगर लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वह उसकी पत्नी है, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप का आजकल बड़ा समाज में कंसेप्ट चल रहा था, मतलब बड़ा पर्सनल में है, तो कानून ने कहा कि ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षित करना आवश्यक है, तो विवाह जो लिविंग रिलेशनशिप में महिला रह रही है उनको भी 125 का फ़ायदा दिया जा रहा है, और वो भी अब भरण पोषण की मांग कर सकती हैं। इसी प्रकार से अगर कोई पुत्री है वो अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकती है, वो शादी उस माता पिता उसके अगर असमर्थ हैं तो पुत्री को भी अब कह दिया है कि पुत्री भी अपने माता पिता का भरण पोषण करे, तो अब ये सब जो है हकदार है भरण पोषण पाने के। अब भरण पोषण के लिए क्या होता है कि सबसे जो सशक्त मजिस्ट्रेट है, जिसको पावर है, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अगर ये मालूम पड़ जाता है कि इस ग्राउंड के तहत कोई व्यक्ति भरण पोषण पाने का हकदार है, और वह भरण पोषण देने से इनका जो व्यक्ति पर्याप्त साधन रखता है वो भरण पोषण देने में उपेक्षा कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, जानबूझकर नहीं दे रहा है, तो वह एक आदेश दे देगा कि मजिस्ट्रेट, जिसकी रकम कोई निश्चित नहीं है कि कितनी रकम दी जाएगी, वह यह पक्षकारों के बीच की हैसियत और पक्षकारों के बीच उस व्यक्ति की जो उसके पति है उसकी कमाने की हैसियत के हिसाब से
या जो भी पक्षकार है पीड़ित की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से हम एक अमाउंट रखती है कोर्ट कि इतना हम भरण पोषण उसको देंगे। तो भरण पोषण देने के बाद मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश देगा। और एक बात और है कि अगर एक एक्सेप्शन दिया है कि मान लीजिए कोई बच्ची है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, उसका पिता ने विवाह कर दिया तो अब पिता ने विवाह कर दिया तो भरण पोषण का दायित्व, तो जनरली हम देखा जाता है कि जब विवाहित पुत्री हो जाती है तो उसका जो भरण पोषण का दायित्व होता है वो पति को होता है। मगर यहाँ अवश्य बच्ची थी और उसकी शादी कर दी और पति भी कमाता नहीं था, पर्याप्त साधन नहीं रखता था, तब उसकी माता पिता की जिम्मेदारी होगी कि भले ही उसकी शादी आपने कर दी है मगर भरण पोषण आपको देना पड़ेगा। भरण पोषण देना पड़ेगा आपको जब तक कि वह वयस्क या मेजर नहीं हो जाती है। और एक बात और कि विवाहित जो लड़की हो जाती है और वयस्क है और विवाहित हो जाती है तो उसका दायित्व जो होता है भरण पोषण देने का उसका पति का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है। और अगर ये बताया कि भरण पोषण का ऑर्डर दे दिया गया, भरण पोषण नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद नहीं दे रहे हैं बिना उचित कारण के, भरण पोषण का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो ये बताया कि एक माह का अवधि का कारावास के लिए आप दे सकते, आपको सिविल कारागार में भेज दिया जाएगा कि जिससे कि पैसा वसूला जा सके। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सिविल कारागार में गया और 2 दिन बाद उसने पेमेंट कर दिया है तो उसके बाद उसको वहाँ से तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर ये सजा देने का मतलब ये है कि आपको डराया जाता है कि जिससे कि आप भरण पोषण के पैसे दे दें। और क्या है कि भरण पोषण की अगर आपको एप्लीकेशन की भरण पोषण की वसूली का जो आपको वसूली करानी है तो 1 साल के अंदर आपको मुकदमा लाना पड़ेगा कोर्ट में कि साहब जो आपने भरण पोषण का आदेश दिया था वह अब पूरा नहीं किया जा रहा है, अब 1 साल के अंदर मुकदमा कर दिया जाएगा। 126 में बताया गया है कि भरण पोषण जो है उनका मुकदमा कहाँ डलेगा, जहाँ पति है या जहाँ पति पत्नी एक साथ पहले रहे हैं या अंतिम बार रहे हैं, जहाँ वह है जहाँ उसकी पति पत्नी निवास कर रही है या अंतिम बार साथ रहे हैं, तो वो तीनों जो जुडिक्शन है वहाँ पर आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। 126 में ये बताया गया है कि प्रक्रिया किस तरीके से। 127 में क्या, अगर जैसे जो भरण पोषण का आदेश दिया था उसमें क्या चेंजेस लाने, अगर मान लीजिए कि भरण पोषण में कोई परिवर्तन लाना है, भरण पोषण में कि हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो गई हैं, पति की इनकम ज़्यादा हो गई है तो भरण पोषण की रकम बढ़ाई भी जा सकती है, और अगर पत्नी जो मान ली भरण पोषण मांग रही थी वो अब समर्थ हो गई है तो वहाँ पर भरण पोषण कम भी किया जा सकता है, तो और सिविल न्यायालय के आदेश के अधीन भी क्या कहते हैं भरण पोषण कम कर सकते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए पत्नी ने दूसरा विवाह कर लिया है तो भरण पोषण जो आदेश हुआ था वो रद्द कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से भरण पोषण का प्लान ये हो गया। और भरण पोषण के हकदार कब कब नहीं रहेगी पत्नी, भरण पोषण के हकदार जब जब नहीं रहेगी, मान लीजिए पत्नी जारता की दशा में रह रही है या बिना उचित कारण के पत्नी पति से अलग रह रही है, जैसे जारता मतलब एडल्ट्री में रह रही है, एडल्ट्री तो वैसे अब समाप्त हो गया है मगर एडल्ट्री में रह रही है पत्नी की दशा में रह रही है या क्या कहते हैं पत्नी के बिना उचित कारण के अलग रह रही है तो वो भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है तब उसका हक खत्म हो जाएगा। और हम भरण पोषण की जब आवेदन करते हैं तो ये साथ साथ हम अंतरिम भरण पोषण या मुकदमे की कार्रवाई का भी साथ में आवेदन कर सकते हैं, न्यायालय अंतरिम भरण पोषण भी दिलवा देता है तुरंत ही 128 के तहत अंतरिम भरण पोषण, उसमें लिखा है कि अंतरिम भरण पोषण भी दिया जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई का पैसा, भरण पोषण की पैसा ये सब देखा जाता है। तो सिंपल में मैंने बता दिया है कि भरण पोषण क्या होता है। भरण पोषण का मतलब होता है कि शिक्षा, आवास, निवास और क्या कहते हैं भोजन और चिकित्सा खर्चों की पूर्ति करना होता है जो असमर्थ है और जो पर्याप्त साधन रखता है उनके द्वारा उसको पूरा किया जाता है। अब इसमें यही बताना था आपको शॉर्ट में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लाते हैं। धन्यवाद।